अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रैपर्स किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म के फ्राई आलू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्राई आलू के लिए सबसे पहले आलू चाहिए। ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको मैं कट कर रही हूँ। ये 2 मैंने कट करके रखे हैं और एक मैंने आपके सामने काटूँगी। तो इस आलू को मैंने हाफ ऑफ किया है, उसके बाद फिर लंबाई में मैं इसे हाफ कर रही हूँ और अब बारीक बारीक स्लाइस कर रही हूँ मैं इसे। इस तरीके से, अब इसी तरीके से मैं दूसरे हाफ को भी कट कर रही हूँ। तो आलू मेरे कट हो चुके हैं सारे। इसमें और क्या क्या डलेगा तो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फ्राई आलू बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कुछ ऐसे हैं। 3 अदद मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। 2 मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास हरा धनिया है बारीक चॉप किया हुआ। 3 हरी मिर्चें हैं बगैर कट लगी हुई। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है। और इसमें ऑयल डालेगा पकाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है मैंने, चूल्हा मैं ऑन कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैं ऑयल डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून तक। आप ऑयल को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने कुकिंग के हिसाब से। और हम वेट करेंगे कि ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें कटे हुए आलू डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कवर करके पकाऊंगी और हर 2 मिनट बाद मैं इसको टॉस करूंगी ताकि जो नीचे से फ्राई हो गए आलू वो ऊपर आ जाए और जो बाकी के आलू हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हों। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। 2 मिनट हो गए हैं और इसका लिड हटा रही हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कि हल्का हल्का कलर आ रहा है आलू से और मैं इसको टॉस करूँगी। ये देखिए, अब फिर से मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट और पकाऊंगी। और अब इसको एक बार फिर से मैं कवर करके फिर से 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। इस तरह करने से आलू भी गल जाएंगे और उनके ऊपर ये फ्राइड गोल्डन कलर खूबसूरत सा भी आ जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक करते हैं अपने आलूओं को। ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिए। अब इस स्टेज पे मैं 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, धनिया पाउडर। अभी मसाले डालते वक्त मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। नमक लो इसलिए किया है अदरवाइज मसाले जलने लगेंगे। हल्दी पाउडर, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को करेंगे हम टॉस एक दफ़ा। तरीके से अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर से मैं एक दफ़ा टॉस कर रही हूँ और अब मैं इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम लो फ्लेम पे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और अगर आलू में हल्की सी कसर बाकी तो वो भी डन हो जाए। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ज़बरदस्त एक खुशबू आ रही है
और आलू गल गए हैं और ये टमाटर भी गल गए हैं। अब मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। 2 टेबलस्पून हरा धनिया है मेरे पास, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ और बाकी का 1 टेबलस्पून मैं गार्निश के लिए छोड़ रही हूँ। दैट्स इट। ये फ्राई आलू झटपट ज़बरदस्त किस्म के रेडी हैं। अब मैंने डिश आउट करती हूँ। ज़बरदस्त से फ्राई आलू रेडी हैं और ये जो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बचाया था ये मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। और अब मैं इस ज़बरदस्त से खुशबू वाले फ्राई आलू को ट्राई करके बताती हूँ आपको कि कैसे बने। ये ज़बरदस्त किस्म के चटपटे से झटपट बनने वाले फ्राइड आलू रेडी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही हैं। अभी मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। इनको आप रोटी के साथ, चावलों के साथ, नान पराठे के साथ खा सकते हैं या एज इट इज़ भी खा सकते हैं दही के साथ, और आप इनको दाल चावल के साथ कॉम्प्लीमेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ट्राई करके बताऊँगी कि कैसे बने। जस्ट परफेक्ट। आलू वैसे ही मेरी फेवरेट है और ये टमाटर की सॉस में और मसालों के साथ कोटेड ये झटपट फ्राइड आलू इतने चटपटे और करारे एंड सुपर टेस्टी। तो मेरे फ्राइड आलूओं को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।